हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एजुकेशन। दिस इज सुजाता। वोकैब सीख रहे हैं फ्रेंड्स। वोकैब में हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं फ्रेंड्स। क्लास इंपॉर्टेंट है, मैं जो आपको वर्ड्स करा रही हूँ सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स बनाइए और उनको याद करिए फ्रेंड्स, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा वर्ड है इथीरियल। फ्रेंड्स, इथीरियल इंपॉर्टेंट है वर्ड, मार्क जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में आया हुआ है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड है। ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है फ्रेंड्स। इथीरियल, इथीरियल कहते हैं अद्भुत अलौकिक को। ओके फ्रेंड्स, इसका मीनिंग हुआ अद्भुत अलौकिक, इथीरियल कहते हैं। एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड लाइट इन अ वे दैट सीम्स नॉट टू बी ऑफ दिस वर्ल्ड। एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड लाइट इन अ वे दैट सीम्स नॉट टू बी ऑफ दिस वर्ल्ड। एक एक्सट्रीमली डेलिकेट, बेहद नाजुक, एक अत्यधिक नाजुक, एंड लाइट, हल्का, इन अ वे दैट सीम्स नॉट टू बी ऑफ दिस वर्ल्ड, जो इस दुनिया का नहीं लगता। एक बेहद नाजुक है, हल्का है, जो इस दुनिया का ही नहीं लगता है, वो क्या लगता है, एक अलग दुनिया का लगता है, वो क्या है, एक इथीरियल है, अद्भुत है, अलौकिक है। ओके फ्रेंड्स, हर इथीरियल ब्यूटी, उसकी ब्यूटी कैसी है, इथीरियल है, अलौकिक है, अद्भुत ब्यूटी है उसकी। सिनोनियम हुआ हेवनली, एक जो स्वर्ग के अप्सरा जैसा होता है, स्वर्ग, उसे क्या बोलेंगे, हेवनली बोलेंगे, ईश्वरीय, जो एक ईश्वरीय लगता है, स्वर्गीय लगता है, जैसे स्वर्ग की अप्सरा आई हो, इतना सुंदर है, अद्भुत है, अलौकिक है। ओके फ्रेंड्स, इसका मीनिंग क्या हुआ है, अलौकिक। अनयूजली डेलिकेट, जो असामान्य नाजुक होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। ओके फ्रेंड्स, एंटोनियम हुआ मंडेन। मंडेन कहते हैं घिसा पिटा, जो ओवर यूज़ में हम किसी चीज़ को ले आते हैं, बार बार उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते रहते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, मंडेन कहते हैं फ्रेंड्स। मंडेन इंपॉर्टेंट है वर्ड, मार्क जरूर करिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। द इथीरियल साउंड्स ऑफ द म्यूजिक काम द पेशेंट। इथीरियल साउंड, एक अलौकिक साउंड, एक अद्भुत साउंड ऑफ द म्यूजिक, एक म्यूजिक की अलौकिक साउंड जो पेशेंट को क्या देती है, काम करती है, शांत शांत करती है, उसे शांति देती है, पेशेंट को रिकवर करने में हेल्प करती है। ओके फ्रेंड्स, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। आई होप आपको वर्ड समझ में आया होगा और उसका मीनिंग भी फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट है वर्ड, मार्क जरूर करिएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपंज। एक्सपंज कहते हैं फ्रेंड्स निकाल देना, हटा देना। ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है एक्सपंज। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स वर्ड। ऑब्लिटरेट और रिमूव कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से किसी चीज़ को रिमूव कर देना, हटा देना, निकाल देना। ओके फ्रेंड्स, समथिंग अनवांटेड और अनप्लीजेंट, जैसे कुछ चीज़ होती है जो अनवांटेड होती है और अनप्लीजेंट होती है, जो हमें खुशी नहीं देती हैं, ऐसी चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, अनवांटेड चीज़ों को हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं अपने जीवन से। सिनोनियम हुआ टू इरेज, मिटा देना। एंटोनियम टू ऐड टू, एंटोनियम क्या हुआ, टू ऐड टू। ही कुड नॉट एक्सपंज द इंसिडेंट फ्रॉम हिज मेमोरी, वह जो है अपनी मेमोरी से उस इंसिडेंट की, जो इंसिडेंट हुआ था, जो घटना हुई थी उसके जीवन में, उसे एक्सपंज नहीं कर सका, उसे निकाल नहीं सका वो अपनी मेमोरी से। ओके फ्रेंड्स, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट वर्ड है गाइल। गाइल कहते हैं फ्रेंड्स धोखेबाज, धोखेबाजी करना, धोखेबाज पर्सन को हम गाइल कहते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है डिसीटफुलनेस। सिनोनियम हुआ डुप्लीसिटी, जो डुप्लीसिटी, जो डुप्लीसिटी दिखाते हैं, जो डबल होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, ऐसे कह सकते हैं फ्रेंड्स, जो अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं, फ्रेंड बनकर धोखेबाजी कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऐसे पर्सन को हम डुप्लीसिटी बोलते हैं। एंटोनियम हुआ ओपननेस, जो बिल्कुल खुले विचारों का होता है, ओपन माइंडेड होता है। कैंडोर, कैंडोर की दो स्पेलिंग है फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों स्पेलिंग राइट हैं, इसमें सी एन डी ओ आर और सी एन डी ओ यू आर, दोनों फ्रेंड स्पेलिंग राइट हैं, आप इस पर कन्फ्यूज मत होना अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो। ये क्या होता है, ओनेस्ट के लिए आता है, ईमानदार पर्सन के लिए। कैंडोर को हम क्या कहते हैं, ओनेस्ट कहते हैं। ये ओनेस्ट क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है फ्रेंड्स। I love children's innocence and lack of guile, कि मैं बच्चों के innocence, जो बच्चे निर्दोष होते हैं, जिनके अंदर मासूमियत होती है, and lack of guile, जो छल कपट से दूर रहते हैं, छल कपट की कमी होती है, जिनके उन्हें मैं पसंद करता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं ऐसे बच्चों से प्यार करता हूँ जो छल कपट और मासूमियत होती है, जिनके अंदर छल कपट की कमी और मासूमियत होती है, मैं ऐसे बच्चों से प्यार करता हूँ। आई लव चिल्ड्रंस इनोसेंस
आई लव चिल्ड्रन इनोसेंस एंड लेक ऑफ गाइल, मैं बच्चों की मासूमियत को छल कपट की कमी से प्यार करता हूँ, उनको पसंद करता हूँ। इम्प्लिसिबल नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इम्प्लिसिबल। इम्प्लिसिबल कहते हैं फ्रेंड्स जो अविश्वसनीय होता है, अकल्पनीय होता है फ्रेंड्स, असंभव। ओके फ्रेंड, हम इसको, इसका मीनिंग हुआ इम्प्लिसिबल का नॉट बिलीवेबल, अविश्वसनीय। नॉट सीमिंग रीजनेबल और प्रोबेबल, जो उचित और योग्य, उचित और योग्य नहीं लगता। फेलिंग टू कन्विंस, जो समझाने में असफल हो। उस ऐसे ये क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ, सिनोनियम है अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल अकल्पनीय। ओके फ्रेंड्स, एंटोनियम हुआ बिलीवेबल, जो विश्वसनीय होता है, विश्वास करने के योग्य होता है। इम्प्लिसिबल कहते हैं जिस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता है, विश्वसनीय होता है। हीज एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सीडेंट इज सो इम्प्लिसिबल दैट नो जरी विल बिलीव हिम। हीज एक्सप्लेनेशन, जो उसकी एक्सप्लेनेशन थी एक्सीडेंट की, वो इतनी इम्प्लिसिबल थी, इतनी अविश्वसनीय थी, इतनी अकल्पनीय थी कि नो जरी, कोई भी जरी उस पर विश्वास नहीं करेगी। ओके फ्रेंड्स, मैंने कुछ आपको ये वर्ड्स कराए हैं फ्रेंड्स, सिनोनियम एंटोनियम्स के वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में और नोट्स बनाइए अपने और उनको रिवाइज करते रहिए फ्रेंड्स, याद हो जाएंगे इजीली। ओके फ्रेंड, और वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।